हेलो दोस्तों, मैं सतीश सर, आप देख रहे हो एवरीथिंग बैस के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पासपोर्ट साइज की फोटो आप अपने फोन से कैसे बना सकते हो और उसका बहुत सारी एडिटिंग कैसे कर सकते हो। जैसे बाल काला नहीं है तो उसको काला कैसे करोगे, बैकग्राउंड में कुछ और रखा है तो उसको एक जैसा बैकग्राउंड कैसे बनाओगे, यानी पासपोर्ट साइज के फोटो में जितने चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है वो आप कैसे करोगे सिर्फ फोन से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हर स्टेप को ईजी वे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बताऊंगा वो पिक्सआर्ट में बताऊंगा, तो अगर आपके पास अगर पिक्सआर्ट नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो। कुछ इस तरीके का लोगों को दिख रहा होगा आपको, इस तरीके का पिक्सआर्ट होता है। तो मैं यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, पिक्सआर्ट में आपको भी प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको उस फोटो को सेलेक्ट करना है, यानी जिस जो बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड में मतलब जो हाफ फोटो हम लोग बनाते हैं ना, तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो एक ही कलर होता है कोई सा भी हो। तो मैं इसका यहाँ पे क्या करना है आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ। आप पिक्सआर्ट ओपन करोगे तो आपके सामने नीचे बहुत सारे कलर वाले बैकग्राउंड आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे गोल गोल टाइप का जो है कलर पिकर लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो बहुत सारे जो बैकग्राउंड इमेज होता है, यानी हाफ फोटो का, पासपोर्ट साइज का फोटो का, वो कुछ इसी कलर का होता है। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने अभी ये कलर मैंने चूज़ किया है, तो आप इस तरीके से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो आपकी मर्जी। उसके बाद इसको ना थोड़ा सा क्रॉप करेंगे, ठीक है। तो क्रॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा, टूल पे जाना है। टूल पे जाने के बाद सबसे ऊपर में क्रॉप लिखा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है, का ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट के निशान पे क्लिक कर देना, ओके। अब ये मेरा हो गया, एक फ्रेम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे उस फोटो को लाना है जिसका हमें, यानी पासपोर्ट साइज़ का फोटो बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और एड फोटो जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब एड फोटो पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी फोटो होंगे सारे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ये फोटो मैं ले रहा हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एक फ़ोटो हो गया, ठीक है। पहले इस फोटो को हमें क्या करना होगा, इसको क्रॉप करना होगा। तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद इसका साइज हाफ फोटो में कुछ इसी तरीके से होता है, तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर साइज़ को सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप भी साइज सेट कर लेना, उसके बाद इस ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसको बढ़ा देना है और यहाँ पे लाके इसको एडजस्टमेंट कर देना है, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कटआउट का सिस्टम दिख रहा है, यानी सीजर यानी कैंची का निशान दिख रहा है ना, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ रोबोट का चिन्ह दिख रहा है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जितने भी बैकग्राउंड है वो सारे अलग हो जाएंगे और जितने आपका जो यानी सब्जेक्ट है वो रेड रेड कलर में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से देख रहे हो, लेकिन इसका जो झुमका है, बाली है, वो कुछ इस तरीके से है ना। तो इसको हमें क्या करना होगा, ये ब्रश का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ब्रश ये वाला, उस पर आपको क्लिक करना है और झुमके पे लाके इस तरीके से रेड कर देना है, ठीक है। अब इसको छोड़ देना है, फिर इस वाले में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको जूम कर लेना है, उसके बाद इस तरीके से यहाँ से ला के छोड़ देना है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको सेव कर देना है, सिंपली सेव करना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर मैं सेव कर दे रहा हूँ, आप भी सेव कर देना। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड डिलीट हो गया। अब इसमें क्या जादू करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं फ़ोटो को, क्योंकि फ्रेम में एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको राइट के चिन्ह पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब राइट के चिन्ह पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, आप भी अपना कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट के चिन्ह पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मेन चीज़ है इसका जो कलर, बाल का जो कलर है ना, वो मुझे एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सा ब्लैक करना है। तो यहाँ पर ब्यूटी का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। और ब्यूटी के ऑप्शन पर जाके हेयर कलर दिख रहा है आपको, हेयर कलर, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। दो चार पाँच सेकंड का टाइम लेगा, अगर आपका इंटरनेट स्पीड में है तो ये जल्दी प्रोसेस हो जाता है, नहीं तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो सेकंड का टाइम लेगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये हो चुका है। अब यहाँ पर आपको रेड कलर है तो यहाँ पर आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ब्लैक करके अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर सिंपली इस पर इस तरीके से अपने हाथों से इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं कर दे रहा हूँ, तो आप भी कर देना, ठीक है। ये इस तरीके से आप भी कर लेना। तो इस तरीके से आप सिंपली जहाँ जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ वहाँ आप हाथ से कर देना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने चेहरे पे कुछ और भी लाइटिंग देना चाह रहे हो या फिर कुछ और भी लगाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे स्किन टोन लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जिस तरीके से जितना लाइट आपको चाहिए अपने फेस पे उतना आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से कंट्रोल इसको आगे पीछे करके कर सकते हो, ओके। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं इस पर यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में जो चिन्ह है उसको क्लिक कर देना है सही के निशान पे। और इसको क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, मेन चीज़ यहाँ पे आपको जाना है इधर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होगा बॉर्डर, यानी जब हम लोग कोई सा भी पासपोर्ट साइज़ या फिर कोई सा भी इमेज बनाते हैं तो उसमें बॉर्डर होता है ब्लैक कलर का या फिर वाइट कलर का, कोई सा भी कलर का। तो यहाँ पर वही हमें सेलेक्ट करना है।
तो इस तरीके से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देना। अगर वाइट लगाना चाह रहे हो तो वाइट लगा लो, अगर रेड लगाना चाह रहे हो ब्लैक लगाना चाह रहे हो तो ब्लैक लगा लो। तो मैं ब्लैक लगा दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखे, दिख रहा है ना आपको, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हो इस तरीके से बॉर्डर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ पे सिंपली इसको सेव कर देना, ठीक है। अब सेव करने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे राइट सेन और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना और ये गैलरी पे क्लिक कर देना, उसके बाद डन कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे एक वाइट कलर का एक पट्टी लेना है, ठीक है। वाइट कलर का आप पट्टी लोगे, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, एक ये बैकग्राउंड हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एड फोटो पे जाना है, फिर से एड फोटो में जा करके, वैसे तो कॉपी भी कर सकते थे लेकिन मैंने कॉपी नहीं करा है। तो यहाँ पे इस तरीके से दो चार बार इस फोटो पे टच करोगे, जितने बार टच करोगे जितना फोटो एक साथ निकालना चाह रहे हो उतने फोटो पे टच करो। मान लो मैं 6 बार कर दिया हूँ तो 6 बार करके एड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये सारे फोटो ना इस जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बारीकी बारीकी से एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। तो ये इसका साइज में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ इसको सजाना है आपको, और सजा के उसके बाद आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ये राइट साइड में यस का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे फिर से एक राइट साइड होता होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। अब ये सेव करोगे आपके फ़ोन की गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पासपोर्ट साइज का फोटो बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल ऐसे वीडियो देखने के लिए, और कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।